अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजिए। 14 अगस्त को जंतर मंतर में संविधान जलाने की बात आई थी, जिसको लेकर चित्रकूट जिले के लोगों ने भागीदारी आंदोलन मंच के लोगों ने आज डीएम को ज्ञापन दे करके इस मामले में जाँच की मांग की है। तरह तरह की ठेस पहुंचाने के लिए कार्य करते हैं, बल्कि उनकी मंशा ये भी है कि जो पहले से मनुवाद व्यवस्था लागू थी देश में, वो पुनः लाना चाहते हैं और हम सब लोगों के साथ पशु व्यवहार करना चाहते हैं। इस चीज को देख के शासन प्रशासन सब देख रहे हैं, किसी ने भी इसकी निंदा नहीं की, न इसको संज्ञान में अभी तक लाए। हमारे लोग आंखों से थूकर यहाँ ज्ञापन देने आए। क्या जो लोग जलाए थे संविधान, उसमें से किसी की पहचान हुई है? पहचान नहीं हो सकी, ऐसा है। और जिस देश पूरा देश संविधान चलता है, उस संविधान की प्रतियों को जलाना 9 अगस्त को, वो भी देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में, आजाद सेना, ब्राह्मण एकता संघ और आरक्षण विरोधी पार्टी, कई ग्रुप का एक संगठन रहा। लगभग 500 लोगों के बीच में संविधान की प्रतियों को जलाया गया, अम्बेडकर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, SC ST एक्ट मुर्दाबाद बोला गया, आरक्षण मुर्दाबाद बोला गया, तमाम मतलब ऐसी बातों का वहां पर यूज किया गया कि जो राष्ट्र का अपमान है और वो देशद्रोह का काम है। देश के संविधान को जिन लोगों ने जलाने का काम किया है, तो उनको सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये संविधान सबका है, हर व्यक्ति पर संविधान लागू है। अगर वो लोग सोचते हैं कि संविधान केवल SC के लिए, तो ऐसा नहीं है। अगर वो ऐसा समझते हैं, तो वो कम से कम उनके ऊपर कोई अन्याय अत्याचार होता तो वो भी तो इस संविधान के सहारे से कानून में जो लागू है वो उसका सहारा लेते हैं, चाहे कोर्ट कोतवाली कहीं भी जाएं। श्रीनिवासन जो पांडे है, वो आरक्षण विरोधी पार्टी का मुखिया है, उसने अपने फेसबुक वॉल में उस वीडियो को अपलोड किया हुआ था और कहा था, कब किया अपलोड? 9 अगस्त को अपलोड किया, और उस वीडियो के कारण ही पूरा देश हल्ला हो गया, पूरे देश में वायरल हो गया। निश्चित रूप से जो भी व्यक्ति हमारे देश के संविधान का आदर नहीं करेगा, उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। अब चूंकि ये महामहिम जी के लिए संबोधित है, तो वो हम अभी तत्काल उनको भिजवा देंगे, और अगर लोकल स्तर पे कोई ऐसी चीज पाई जा रही है जैसा आप बता रही हैं, तो निश्चित रूप से उसके कानून के परिधि में जो भी कार्रवाई सख्त से हो सकती है वो करवाई जाए।